Hello everyone, praise the Lord. Very good morning. I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमी के पत्री 6 अध्याय उसमें 22 वचन को ध्यान करने वाले हैं। अब यह वचन ऐसा लिखा है कि क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत आनंद जीवन है। पिछले 2 दिन हमने देखा कि पाप करने से हम कोई फल नहीं मिलेगा, यह हमें लज्जित कर देगा, पर अंत में मृत्यु ही हमारा फल हो जाएगा। पर अब हम पाप से मुक्त हो गए हैं, हम पाप के दासता में नहीं है, अब हम ईशु के दास बन गए, इसलिए मृत्यु से भी अलग हो गए हैं। अंत में हमारा फल अब आनंद जीवन और पवित्रता है। पाप से हम पर कोई हक नहीं रहेगा, हमें दुनिया से अलग जीना है। इस दुनिया के लोग पवित्रता पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, त्याग करते हैं, पैसा व्यर्थ करते हैं और बहुत कुछ, पर सिर्फ यीशु पर विश्वास रखने से ही पवित्र का मार्ग है और कुछ नहीं, यह फल हमें मिला है। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में पवित्र रहना है तो हम यीशु के वचन को ध्यान से सुनना है, उनकी वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। ऐसा रहने से ही हम पवित्रता पा सकते हैं। आज इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।